हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स एंड देखिए आज एक बहुत बड़ा मेजर क्रैक आते हुए देखने को मिला सवा परसेंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो 17,560 के ऊपर क्लोजिंग दी है 220 पॉइंट माइनस करके यानी कि 220 पॉइंट का क्रैक आज निफ्टी के अंदर देखने को मिला है और ये केवल एक्सपायरी रिलेटेड इश्यू नहीं रहा आज के दिन कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स थे जो बेसिकली यहां पर नेगेटिविटी शो करते हुए नजर आए हैं पहला कारण मैं आपके सामने यहां पर दिखाने जा रहा हूं जिसकी वजह से ये जो क्रैक था एक्चुअली में थोड़ा सा और डीप होता हुआ देखने को मिला हमने कल निफ्टी की वीडियो में सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी के ऊपर लोएस्ट रेंज डिसाइड करी थी बट आज उससे भी डेढ़ सौ पॉइंट नीचे तक निफ्टी ने टच करके दिखाया देखिए फेसबुक यानी के अभी जिसको मेटा के नाम से जाना जाता है रिसेंट में उसका नाम रिवाइज किया गया था उसके रिजल्ट्स आए थे कल यूएस में और इतने खराब रिजल्ट्स आए कि वहां पर 20 परसेंट की गिरावट देखने को मिली थी 22 परसेंट की गिरावट आप देखिए यहां पर आ, के स्टॉक में देखने को मिली दैट्स बिकॉज इतना बड़ा क्रैक जो है आपको देखने को मिल रहा है नेक फ्यूचर्स के अंदर प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करूंगा प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी यूएस मार्केट में वो इतनी खराब नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट्स डाउन होता हुआ दिखाई दे तकरीबन आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी 224 पॉइंट्स के साथ डाउ में एसएनपी 500 1% की तेजी के साथ है Nasdaq भी आप देखिए आधे परसेंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई थी उन्होंने कल की ट्रेडिंग सेशन में अभी इस वक्त पौने 7 बजे मार्केट ओपन नहीं हुआ है तो ये कल की क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हैं बट सुबह ही एसजीएक्स निफ्टी ने एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखाए थे रीजन बीइंग के मेटा के रिजल्ट्स वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब आए थे उनकी ईपीएस जो है वो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स डॉलर पर शेयर पहुंच गया था जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन से भी वीक ईपीएस uh, था और इसी की वजह से देखिए अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स के अंदर इस वक्त भी लाइव हम लोग देख रहे हैं तो 312 पॉइंट से ज्यादा का कट देखने को मिल रहा है जो दो परसेंट से ज्यादा हो जाता है वहीं अगर आप डाउ की बात करें यानी कि डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर इतना बड़ा कट नहीं है ओनली फोर्टी फोर पॉइंट के आसपास का कट देखने को मिल रहा है तो ग्रोथ टैक्स स्टॉक्स अगर इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके पास में मेजर क्रैक निफ्टी पर देखने को मिल सकता है क्योंकि पहला ड्राइवर निफ्टी आईटी वो डाउन जाता है और उसके साथ साथ बाकी एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं फिर एफ आई किस तरीके का रुख बना रहे हैं वो सारे फैक्टर्स मिलकर एक डाउन ट्रेंड दिखा देते हैं तो बहुत दिनों की जर्नी के बाद अप ट्रेंड जर्नी के बाद में एक सवा परसेंट नकट आज आपको निफ्टी के ऊपर मिला है बट एक देखिए और मैं आपको बात बताता हूं अभी पिछले दस दिनों के अंदर जितना बड़ा क्रैक ऑलमोस्ट एटीन परसेंट ने क्रैक होके गया है और डाउ के अंदर भी बहुत भारी गिरावट है दस से बारह परसेंट की गिरावट आई थी उसके बाद रिकवरी भी हो चुकी है तो जिस कारण से वो गिरावट आई थी और जिस कारण से हमारे मार्केट्स ने भी वो गिरावट दिखाई थी आई थिंक उससे बड़ा कारण ये फेसबुक के रिजल्ट नहीं है यानी कि ये एक इंपल्सिव रिएक्शन है मार्केट जैसे ही इसको डिस्काउंट करेगा यानी कि यहां पर इसकी वजह से जो फॉल आना होगा उसके बाद में आपको रिकवरी बहुत तेजी से देखने को मिल सकती है तो इससे घबराने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना ज्यादा डीप कट यहां पर आते हुए दिखाई दिया है फेसबुक के स्टॉक में जो तकरीबन बाईस के आसपास का है चलिए आगे अब मैं आपको लेके चलता हूं और आज के एफ एंड डीआईए डेटा पे अब बात करते हैं देखिए एफ एंड डीआईए ने आज तीन फरवरी दो को यानी कि एक्सपायरी वाले दिन अपने पुराने रुख में आते दिखाई दे यानी कि ओल्ड विजन जो था उनका कि हेवी सेलिंग करनी है वहां पर आते हुए दिखाई दे रहे सिक्सटीन हंड्रेड करोड़ की सेलिंग आज करी है प्रीवियस टू डेज के अंदर एक फरवरी को केवल 22 करोड़ की सेलिंग थी दो फरवरी को केवल 184 करोड़ की सेलिंग थी लेकिन आज 1600 करोड़ की सेलिंग है ऑन द अदर हैंड डीआईआईज की अगर हम बात करेंगे तो 370 करोड़ की सेलिंग यहां पर आते हुए दिखाई दी है यानी कि अगेन वही इंस्टेंस कि एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों नेट यहां पर नेगेटिव साउंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप देखिए आज जो क्रैक्स आते हुए दिखाई दिए वो एक बार भी मार्केट्स ने संभाले नहीं है तो डी भी निगेटिव एंड एफ भी निगेटिव तो आप समझिए रिटेलर्स के हाथों में अकेले इतनी जान नहीं है कि वो इतनी जबरदस्त क्रैक से वो भी एक्सपायरी वाले दिन मार्केट्स को ऊपर की तरफ लेके आ जाए चलिए आगे मैं लेके चलता हूं देखिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से चार्ट्स के ऊपर तो देखिए निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं वनडे की सेटिंग में यहां अगर आप देखें कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है एंड सिक्स एट हंड्रेड के आसपास सेट हंड्रेड एंड थर्टी इन के आसपास से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली बट ये रैली इस टाइप की रैली नहीं बननी चाहिए अदरवाइज ये ओवर स्ट्रेच सिचुएशन जो होती है ये बहुत बड़ा कट ला देती है तो so, एग्जैक्टली exactly, आज यहां पर निफ्टी ने हॉल्ट लेके दिखाया है मेजर जो सपोर्ट थे वो तो देखिए यहां पर डेफिनेटली ब्रेक हुआ है ऐसा नहीं है कि मेजर सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए हैं बट फिर भी मैं समझता हूं जो ये अपमूव है यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिल रहा है तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमारे पास और की है मार्केट में, तब तक है बात करें तो यहां पर देखिए दिखाता हूं आज की कैंडल्स के हिसाब से आपके सामने लो आता हुआ दिखाई दिया है जो बहुत ज्यादा नीचे था हम हमारी एक्सपेक्टेशन से क्योंकि 17,650 पर हमने लोएस्ट रेंज कल देखी थी ओआई डेटा के हिसाब से तो अनप्रिसिडेंटेड मूव्स जब यहां पर आते हैं तब देखिए मार्केट्स में ट्रेडर्स को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए फिलहाल डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो यहां पर आर नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है यानी कि हल्का सा मोमेंटम लूज जरूर हुआ है बहुत हैवी मोमेंटम अभी नहीं क्रिएट हुआ था क्योंकि सिक्सटी से नीचे ही हम लोग फ्लोट कर रहे थे अब यहां पर जो आर एस ये देखिए तकरीबन फोर्टी पॉइंट्स के आसपास है तो अगर वो यहीं से थोड़ी बहुत गिरावट और दिखा के रिवर्स ले लेता है तो हम लोग ये समझेंगे कि यहां पर एक कंसोलिडेशन का मोड है और ये आना भी जरूरी था और उसके बाद में निफ्टी एक अगेन बड़े टारगेट्स की तरफ ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है आज का स्ट्रक्चर कैसा रहा ये तो हमने डेली चार्ट पर देख लिया आज का स्ट्रक्चर तीन मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहां से काफी हद तक आपको समझ में आएगा कि मार्केट ओपन हुए एक गैप डाउन के साथ में एक गैप डाउन के साथ मार्केट्स ओपन हुए ये देखिए यहां पे

सेवनटीन का है तो डे लो के आसपास की क्लोजिंग ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर देता है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्योंकि तो अगला ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे होगा और फ्राइडे के बाद में देखिए दो दिन की छुट्टी होगी तो जनरली लोगों का इंटेंशन होता है कि हम लोग अपने घर प्रॉफिट लेके जाए ना कि ऐसी अनसर्टेनिटी uh, के साथ में अपनी पोजीशंस क्रिएट करके जाए मार्केट में जो मंडे को उनको नुकसान दे दे तो हो सकता है कल वॉल्यूम्स के अंदर या तो डिफरेंस देखने को मिले या फिर इंटरडे प्रॉफिट बुकिंग आपको ज्यादा आती भी दिखाई दे और ये सिंबलाइज़ भी कर रहा है ये गिरावट सिंबलाइज़ कर रही है कि अगले दिन भी आपको लास्ट के कुछ घंटों में अगेन गिरावट का सामना करना पड़ सकता है तो अब 17,520 की क्लोजिंग आपके सामने आई है अभी दो से तीन दिन पहले अगर आप देखें हम लोग कहां पर थे तो ये बहुत इविडेंट है इस सिचुएशन से समझना कि दो तीन दिन पहले हम लोग एक बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में थे निफ्टी के ऊपर अगर आप देखेंगे हमने जो आ, लेवल्स वापस से रिटेस्ट करे थे 17,800 के तो सोलह हजार के लेवल्स 16,800 के लेवल से हमें आते हुए दिखाई देते तो एक हजार पॉइंट का मूव हमने देखा था लास्ट वन वीक में तो ये बहुत अच्छा वीक था लास्ट वीक जो बहुत अच्छा वीक था लेकिन इसको देखिए आज यहां पर निगेट कर दिया थर्सडे की एक्सपायरी ने चलिए ये बात हो गई है देखिए निफ्टी की अब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अभी भी स्टिल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर उतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही जितनी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है पिछले दस बारह दिन से लगातार मैं आपको बोल रहा हूं कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है इस चीज को आप कंपेयर मत कीजिएगा सिर्फ एक एच बैंक से ठीक है एच बैंक चार दिन में एक बार चलता है और उसके बाद में तीन दिन गिरता है लेकिन फिर भी अगर जो मोमेंटम आप देखेंगे तो वो कहां से आ रहा है वो बैंक से भी आ रहा लेकिन अच्छी तरह होल्ड करके भी दिखाया है भले लास्ट में अच्छी खासी देखने को मिली, बट कुछ अच्छे लेवल्स है जो इंटैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं हालांकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेजर कारण था एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक दो स्टॉक्स के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त यहां पर बिकवाली देखने को मिली और इसी दो बैंक की वजह से इसी दो बेसिकली स्टॉक्स की वजह से काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखने को मिला है तो अब देखिए ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि अभी भी स्टिल एक 38,800 के लेवल इंटैक्ट है ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 38,800 का ये एक्चुअली एट एक सपोर्ट का काम कर रहे है। आज की कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है बैंक निफ्टी और जब तक ये इंटैक्ट है यहां पर पॉजिटिविटी कायम है आर भी देखे यहां पर क्या है आर एस के लेवल पर है यानी कि काफी ऊपर था और अभी भी नीचे आने के बाद में सिक्सटी के ऊपर की पोजिशन है तो मुझे लगता है कि देखिए यहां पर मोमेंटम बैंक निफ्टी का मोमेंटम निफ्टी से ज्यादा है और यहीं पर आपको काफी अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएंगे कल की वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्शन भी दिखाए थे आने वाले पोजिशनल प्रोजेक्शन भी दिखाए थे जो एक्चुअली में फोर पॉइंट्स ऊपर थे आप कल की वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं तो अगेन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको बैंक निफ्टी में ही चीजें हमने कवर करी है अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर तो अब हमारे पास थर्ड फेबर के बाद एक्सपायरी है वो कहां पर है वो हम लोग देखने की करते हैं कोशिश टेंथ ऑफ एब की हमारे एक्सपायरी है एंड 17,560 का स्पॉट आपके सामने आ रहा है एस पर आधे घंटे की जो एवरेज uh, क्लोजिंग होती है उसके हिसाब से तो 17,560 के हिसाब से अगर आप देखें 17,550 का एटीएम स्ट्राइक प्राइस है 17,550 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको uh, थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करें

इस 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में से तकरीबन तक 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं ये बड़ी बात है यानी कि इसको एक बहुत ही गहरा रेजिस्टेंस बनाया गया है आज के दिन ही कॉल राइटर्स ने अब आगे चलते हैं अगर 17,600 भी निकलने की पोजीशन आती है क्योंकि हम लोग बहुत नियर है केवल 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स नीचे हमने अभी क्लोजिंग दी है तो 17,700 पर क्या पोजीशन है 44,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है जिसमें से 32,000 से ज्यादा कॉन्ट्रेक्ट आज एड हुए हैं यानी कि आज ये भी एक स्ट्रॉन्टेंस की तरह से निकल के आ रहा है तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो दो स्ट्राइक प्राइसिस हैं अगर कल भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ में मार्केट की शुरुआत हुई मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि मार्केट अगर कुछ घंटे किसी भी ट्रेंड में रुक जाए या तो पॉजिटिव ट्रेंड में या फिर एक नेगेटिव ट्रेंड में तो होता क्या है शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो जाती है यानी कि आज भी ऐसा ही हुआ जब मार्केट कुछ घंटे बेरिश टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया तो पुट्स के अंदर से शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी जिसने मार्केट को और नीचे डाल दिया तो देखिए अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तब डेफिनेटली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाने का दम रखते हैं तो अगेन कल मार्केट अगर निगेटिव खुले चाहे थोड़े बहुत ही निगेटिव खुले लेकिन वहां पर सस्टेनेबिलिटी अगर नीचे के लेवल्स पर आ गई तो ये जो पुट्स है ये फिर वापस से कवरिंग करते दिखाई देंगे, और उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसीलिए मैं समझता हूं सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंपॉर्टेंट रजिस्टेंसेज है तो कल के लिए सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड से ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता निफ्टी के पास में कोई दम होगा फिलहाल जो कंडीशन आती हुई दिखाई दे रही है तो अपर रेंज मेरे हिसाब से 17,700 हो सकती है कल के लिए जबकि आज कंडीशन ऑल टूगेदर अपोजिट थी 17,700 पर थर्ड फरवरी के अंदर सबसे ज्यादा पुट साइड में ओआई डेवलप था लेकिन आज शुरुआत से ही ये वीक पढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद में यहां पर पूरा जो कब्जा था वो कॉल राइटर्स का हो गया चलिए अब मैं आपको पुट साइड की बात बताता हूं कि अगर स्पॉट से यानी कि 17,550 से नीचे मार्केट्स निकलते हैं तो कहां पर मेजर सपोर्ट है जरा सत्रह के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं जहां पर थर्टी सेवन थर्टी का ओआई है ये एक स्ट्रॉग सपोर्ट का, का काम कर रहा है लेकिन आज केवल टेन थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट ही यहां पर एड हो रहे हैं और देखिए ये जो तो 22% की गिरावट आज एफबी के स्टॉक में यानी कि मेटा के, मे, के स्टॉक में देखने को मिली है डेफिनेटली और भी ज्यादा क्रैक शुरुआती सेशन में Nasdaq में दिखा सकती है बट Nasdaq क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है 18% की गिरावट ऑलरेडी Nasdaq में हो चुकी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन Nasdaq नीचे का ही रुख दिखाए हो सकता है हाफ सेशन के बाद में के अंदर रिकवरी आए और वो पॉइंट हो सकता है कि कल हमारे मार्केट्स एक फ्लैट या फिर पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर शुरुआत करें बट अगर मुझे निफ्टी की लोएस्ट रेंज देनी है तो मैं 17,500 पर नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा नजदीक है स्पॉट से इसलिए मैं समझता हूं सेवेंटीन के लेवल्स होंगे जहां पर आज की तारीख में तकरीबन बीस हजार का ओआई बैठा हुआ है और यही सपोर्ट देगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कल वोलेटिलिटी कम रह सकती है कल वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं इसलिए मेरे पास जो रेंज है वो लोएस्ट रेंज देखे आ रही है 17,400 की एंड अपर रेंज आ रही है 17,700 की तो ये 300 पॉइंट्स के अंदर मार्केट कल आपको मूव करके दिखा सकता है एज पर दिस ओआई डेटा एंड द फैक्टर्स दैट विल इंपैक्ट निफ्टी तो आई होप ये सारे फैक्टर्स uh, ये सारे uh, आपको समझ में आए किस किस तरीके तरीके से से निफ्टी निफ्टी रिएक्ट कर सकता है किस तरीके से निफ्टी के अंदर और uh, बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में तो इस वीडियो को करता हूं देखिए यहीं पर ही एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपको पॉइंट समझ में आए होंगे जो टेक्निकल पॉइंट मैंने यहां पर बताने की करी है कोशिश अगर आपको कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें इसे पहले आईटीसी की वीडियो डाल चुका हूं जिसके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं इनफैक्ट आ भी गए होंगे मैंने वीडियो डाल दी थी आज दिन में आई मीन I mean, शाम को इवनिंग में और वहां पर क्या वो दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से 12 परसेंट की रैली अभी रिसेंट लो से आईटीसी के अंदर आई है और क्या वो सस्टेन हो पाएंगे या नहीं तो कल आपको क्या करना चाहिए वो मैंने उस वीडियो में बताया तो प्लीज वो वीडियो भी आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में टिल ट्रेन थैंक यू बाय